शैतान गरजने वाले सिंह की नाई देखी, वो वहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि आप विश्वास करें कि वो सिंह है और आप घर की बिल्ली हैं। देखिए, वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि वो सिंह है और वही बहुत बड़ा है, वो आपको निगलने के लिए आया, वो आपको मारने के लिए आया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो सिंह के जैसे होने का दिखावा करता है, लेकिन जबकि आप और मैं असली सिंह है। Such a special way, and yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. शैतान जानता है, वचन ही है आपको जो सिग्नल देता है, वचन ही आपको ये चित्र देता है, तो वो जानता है अगर आपको वचन से दूर कर देता है तो चित्र चला जाएगा, अगर चित्र चला जाए तो आप चले जाएंगे, आपके पास आशा नहीं है। तो वो वचन लेने के लिए आता है। वचन कैसे लेता है? वो आपके दिल में ऐसे घुसकर नहीं देखता है कि वचन को खोद कर निकाले, उससे बस यही तो करना है, बस आपको उल्टा कहने लगाना है, आपको बस यही कहने देना है, हाँ मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, मैंने इस पर विश्वास किया और ये मेरे लिए काम नहीं करता, मुझे पता नहीं मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। जानते हैं, आप विश्वास के बारे में कह रहे हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आप अभी इसका उल्टा ही कहते जाते हैं। अब शैतान छुट्टी पर चले जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप ये पूरा काम कर लेंगे क्योंकि आपने ये क्रिया शुरू की है। जो कुछ भी आपने बोया अपने ही मुंह से, परमेश्वर के वचन को बोया, अब आप अपने ही मुंह से उसे खोद के निकालते हैं, आप उसे उखाड़ देते हैं। जब ये कहता है कि शैतान इसे निकालने के लिए आता है, तो ये कह रहा है कि कैसे उसने आपको इसे खोद कर निकालने लगाया है। शैतान कठोर शैतान है, वो कहता है तुमने इसे बोया, तुम निकालो। यदि आपके पास वचन नहीं है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपके पास आपका संसार नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास से ही इस संसार को बनाया, अपने वचनों से ही। आदि में वचन था। आपको तो बस वचन की जरूरत है मेरे दोस्तों। अगर आपके पास वचन है तो आप बिल्कुल शून्य से शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन को महान और बहुत ही सुंदर बना सकते हैं।
आपके अंदर का वचन आपके अंदर आशा लेकर आएगा। इतना आनंद, इतनी शांति और यहाँ तक कि विपरीत परिस्थिति के बीच में भी आप उठ खड़े होंगे और अपना जीवन फिर से बना पाएंगे केवल वचन के द्वारा ही। जब लोगों के पास वचन नहीं तो वो कहां पर मुड़ सकते हैं? उनके पास जाने के लिए कुछ नहीं, उनका पैसा चला गया, सारा निवेश जो है वो शून्य हो गया, माइनस में चला गया। बस यही, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, अगले महीने का किराया नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, पत्नी और बच्चों को जवाब देना नहीं जानते हैं, पता नहीं कि कहां पर जाए, नहीं जानते कि वो परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं, वो नहीं जानते कि वो परमेश्वर की ओर देख सकते हैं और अपेक्षा करे कि परमेश्वर का वचन उनके दिल में उत्पन्न करे और कुछ बना सके। वो ये सब नहीं जानते, ये नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हैं। तो केवल एक ही उपाय रहता है कि वो आत्महत्या कर लें। क्या ये दुख की बात नहीं? लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए आशा है और हर एक व्यक्ति के लिए आशा है जो इस समय ये संदेश सुन रहा है, चाहे आप जैसे भी सुन रहे हैं, किसी भी कोने में टेलीविजन से और किसी भी माध्यम से, आशा है। यीशु मसीह में आशा है और उसके वचन के द्वारा आशा है। बाइबल आपको आशा देने के लिए है, बाइबल है कि आपके जीवन को मजबूत बनाए। बाइबल तो जवाब की किताब है, जो सवाल आप अपने दिल के गहराई से पूछते जा रहे हैं यहां प्रभु वचन से उसका जवाब दिया गया है। और इसलिए यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं और सुन रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या प्रचार कर रहे हैं और इतने लोग आकर बैठ कर क्यों सुनते हैं। बस यही है, ये तो जीवन की समस्याओं के लिए जवाब है और आप तो नहीं जानते हैं कि इसकी आपको जरूरत है, लेकिन ऐसा समय आएगा जब आप जानेंगे कि इसकी जरूरत है। जब इसकी जरूरत होगी तो आप इसकी सराहना करेंगे कि ये यहाँ पर है और ये जो परिणाम लाएगी वो आप देखेंगे। आप तो विजय प्राप्त करेंगे आपके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल में, अपने जीवन में। और देखिए, इसीलिए तो जब सब ठीक होता है तब हमें तैयार होना है, हमें इसे जमा करना है, वचन के बीज को हमें अपने अंदर जमा करना है और बड़ी फसल के लिए तैयार होना है। देखिए, एक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले मिला था दूसरे देश में, जहां मैं उनके घर में बेसमेंट में गया था। वहां उनके पास में बेसमेंट था और घर के नीचे उनका बहुत बड़ा बेसमेंट था और वो कैन फूड से भरा हुआ था जिसमें प्रिजर्वेटिव लगे थे, टमाटर और ओकरा और हर तरह की चीजें थी, सब कुछ कैन में था। मैं तो चौंक गया। और ये भाई सारा कैश रखते, बैंक में पैसा नहीं रखते, सब कुछ कैश रखते थे। उनके पास वहां पर बंदूक थी और सब कुछ था, हर तरह की चीज वहां पर थी। बड़े फ्रीजर में वहां पर मटन रखा था, केवल एक फ्रीजर नहीं, लोगों के पास आमतौर पर मटन के लिए थोड़ा फ्रीजर होता है ताकि कुछ समय के लिए वो उसे जमा करके रखें, लेकिन इसने कई साल के लिए जमा करके रखा। मैंने कहा, आपकी समस्या क्या है? उसने कहा, जानते हैं ख्रिस्त विरोधी आ रहा है और हम महाक्लेश के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने कहा, मेरे प्रभु, मैंने अब तक इन बातों को सुना था लेकिन अभी मैं देख रहा हूं इस भाई को, ख्रिस्त विरोधी आ रहा है और हम एक बड़े सताव के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं इसके लिए तैयार हो रहा हूं। 25 साल बीत गए हैं, पता नहीं उस टमाटर का वहां पर क्या हुआ होगा, जानते हैं। मैंने कहा, भाई इन बातों की चिंता मत कीजिए, वचन को इकट्ठा कीजिए। देखिए, वचन को इकट्ठा कीजिए। आप कैसे आने वाली चुनौती के लिए खुद को तैयार करेंगे, कैसे खुद को तैयार करेंगे जो आपके सामने है उसके लिए? इस संसार में होने वाली ये सारी परेशानी, मुश्किलें, हम इस संसार में देखिए जी रहे हैं, समय समय पर क्लेश और उपद्रव इस संसार में होता है। लोग अर्थव्यवस्था को देखकर कहते हैं, मेरे प्रभु ये क्या हो गया, ये पहले से होते आ रहा है, आप कहां पर थे? देखिए, ये पहले भी बहुत बार हुआ है। अब्राहम बहुत से अकाल में से होकर गया, इसहाक बहुत से अकाल में से होकर गया, यूसुफ ने अकाल देखा, परमेश्वर के सभी जन ने अकाल देखा और वो अकाल के बीच में संपन्न होते चले गए, क्योंकि परमेश्वर ने अकाल के बीच में उन्हें संपन्न होने का रास्ता दिखाया। देखिए, अकाल तो वहां पर है, वहां पर अब्राहम के दिनों से अकाल वहां पर है और वो तो उसके बीच में थे और कोई भी, जानते हैं, वहां मरने के लिए छोड़ा नहीं गया। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा, ठीक है माफ करना, अकाल आ गया, तुम घर में वापस आ जाओ, स्वर्ग में आ जाओ, पृथ्वी पर कोई भोजन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने वहां पर भोजन लाया, वहां पर अकाल के बीच में जहां पर कोई उपज नहीं आनी थी वहां परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। जहां भी उन्होंने कुआं खोदा वहां पर कुएं में पानी था। परमेश्वर ने दिखाया कि अकाल हमारे लिए नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु अकाल में आशीष दे सकता है? देखिए, लेकिन जो तैयारी आप कर सकते हैं दोस्तों, वो तो सच में वचन की तैयारी है। आपको लगता है और किसी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं?
तो आप मूर्ख हो जाएंगे, क्योंकि देखिए वचन सबसे अच्छी तैयारी है। वचन इसकी तैयारी के लिए मार्ग है। और जहां तक कि वचन की बात आती है, बाकी कुछ काम नहीं करेगा जब तक कि आप इसका चित्र अपने भीतर न ले। आपको ये चित्र भीतर रखना होगा। कौन सा चित्र? आपको अपनी चंगाई का चित्र भीतर रखना होगा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। चंगाई का चित्र ले। चंगाई का चित्र क्यों ले? क्योंकि चंगाई का चित्र आपकी मदद करेगा कि आप खुद को चंगा देख सके। शायद आप कमजोर हो, निर्बल हो, बीमारी से परेशान हो, शायद आपको समस्या हो और जानते हैं हर तरह की मुश्किलें आपके पास हो, लेकिन आप ये चित्र ले ले। आपका मुंह केवल चंगाई को कहते जाए। आपका मुंह कहे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। क्यों? कुछ लोग कहेंगे मैंने चंगाई नहीं पाई, तो मैं क्यों कहूँ? क्यों कहूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ? क्योंकि आपको अपने अंदर ये चित्र लेना होगा। आपको देखना है कि आप खुद उठकर चलने लग गए हैं। आपको देखना है कि आप दीर्घायु जी रहे हैं। आपको देखना है कि आप फलवंत जी रहे हैं, उत्पादनशील और विजय जीवन जीते हैं। आपको खुद को ऐसे ही देखना है कि आप इस बीमारी पर जय पाते हैं। आप अपने आप को चंगा देखते जाएं। और इसलिए हम जोर देते हैं कि बीमारी को न कहें, केवल चंगाई कहते जाएं। जरूरत को न कहें, स्रोत को कहते जाएं। हेलो, मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा, मसीह में अपने महिमा में धन के अनुसार। स्रोत को कहते जाएं। क्यों? क्योंकि अपने सामने जरूरत न रखें, अपने सामने आप स्रोत को रखते जाएं। आप खुद को ऐसे देखें, ऐसा व्यक्ति जिसकी सारी जरूरत पूरी होती है। आपको देखना है कि आप ऐसे व्यक्ति जिसे कोई कमी नहीं है। आपको कहना मुझे कोई घटी नहीं होगी, परमेश्वर मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। मुझे घटी नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। किसी भली चीज की कमी नहीं होगी। आपको इसे देखना है, इसे कहना है और फिर इसे देखना है। अगर इसे काफी देर तक कहते रहेंगे तो फिर आप इसे देख भी पाएंगे। आपको कहना है मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो फिर आप अपने आप को देखेंगे कि आप मैं सब कुछ कर सकता हूं ऐसे व्यक्ति हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति को अभी देखा है? ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। मैं नहीं कर सकता, कुछ भी कहे, ओ नहीं सोचता, मैं नहीं सोचता ये कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता वाले व्यक्ति हैं। मैं कर सकता हूं ऐसे व्यक्ति हो जाए। आमेन। सब लोग कहे मैं इसे कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। यह अहंकार नहीं, परमेश्वर का वचन है। इसे नहीं कहना अहंकार होगा। मैं इसे क्यों कहूं यह अहंकार होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। आप क्यों नहीं कहते? क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है। क्या परमेश्वर की ओर खड़े रहेंगे या फिर दूसरी ओर खड़े रहेंगे? परमेश्वर कहता है मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखिए धार्मिकता के साथ भी यही। हाँ, बहुत से लोगों में समस्या यही है। बहुत से लोग तो अपने आप को बार 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 पापी कहते हैं। मैं पापी हूं, सबसे बड़ा पापी हूं, सबसे बुरा पापी हूं। उनके पास इसके लिए वचन भी है। हाँ, पौलुस ने कहा कि वो कितना बड़ा पापी है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। उसने कहा कि लोगों को बताया कितना बुरा था, वो अब बदल गया है। वो बस अपनी गवाही बता रहा था कि कैसे वो पहले कैसे था और अब कैसे हो गया, वो पहले क्या था और अब क्या हो गया है। वो हर सुबह इस तरह से नहीं कहता, प्रभु मैं सबसे बुरा पापी हूं पूरे संसार में, मैं पापियों का पापी हूं। हर सुबह प्रार्थना करते समय परमेश्वर के पास आकर नहीं कहता मैं पापी हूं और मुझसे बुरा कोई पापी नहीं है, संसार में सबसे बुरा पापी मैं ही हूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहता। लेकिन लोग इस वचन को लेकर इस तरह से कहते हैं जब भी प्रार्थना करते, प्रभु मैं पापी हूं, सबसे बुरा पापी हूं। वो सोचते पौलुस ने इसे कहा है, इसने कहा है, उसने कहा है। नहीं नहीं, आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ ले दोस्तों। पौलुस ने कहा है कि मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने उसे जो पाप से रहित था उसे पाप बनाया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बनाई जाए, वो क्या कहता है? सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने पाप रहित यीशु को जो पाप रहित था उससे हमारे लिए पाप बनाया कि मैं जो पापी हूं मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हो जाऊं। पौलुस यही तो कहता है। लोग इसे कैसे चूक सकते हैं? वो कहता उसने उसे पाप बनाया ताकि मैं धर्मी हो जाऊं। बहुत से लोगों में जड़ होती है, बहुत गहरी जड़ होती है कि वो पापी हैं, तो उनकी प्रार्थना काम नहीं करती, उनमें भरोसा नहीं होता है और बड़े साहस से आकर वो मांग नहीं सकते, नहीं पाते और सोचते परमेश्वर ने कृपा क्यों नहीं की है। अब देखिए उनका खुद का पाप के बारे में जो विचार है वो रोकता है जवाब पाने से। वो भरोसे के साथ जाकर मांग कर प्राप्त नहीं कर सकते,
क्योंकि वो महसूस करते हैं सबसे बुरे पापी है, वो तो सबसे गंदे पापी इस दुनिया में, और वो कैसे परमेश्वर से कुछ पाने की अपेक्षा कर सकते हैं। वो तो अपने पाने के मार्ग में खुद ही अकेले खड़े हैं और कहते, प्रभु ने मुझे क्यों नहीं दिया। मैं इतना नम्र हूं, प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करता हूं, प्रभु ने मुझे क्यों नहीं दिया। देखिए, और फिर जब आप इस बात को रखते हैं कि आप मसीह में कैसे परमेश्वर की धार्मिकता है, और आप कहते हैं मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, धर्मी जन की प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है, मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मेरी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है, यदि मैं प्रार्थना करूं तो जो मैंने कहा वो मिलेगा, जब भी मैं परमेश्वर से कुछ मांगता हूं, परमेश्वर को पुकारता हूं, तो वो मेरी सुनता है और मुझे उत्तर देता है, क्योंकि मैं मेमने के लहू से धोया गया हूं, मैं उसकी संतान हूं और वो मेरी सुनता है, मेरी जो भी जरूरत है वो देता है, मैं जो सोचता हूं और जो मांगता हूं उससे बढ़कर वो मुझे हमेशा देता है। हेलो, ये आपको पूरी अलग जगह पर रखता है, आप पाने के लिए ज्यादा तैयार हैं, मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। हाँ, मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, साहस एक बात है, बाइबल कहती है कि धर्मी जन सिंह के जैसे, बहुत से विश्वासी साहसी नहीं हैं, वो नहीं जानते कि साहसी क्या है, वो तो डरते हैं, शैतान से डरते हैं, जादू टोने से डरते हैं, वो डरते हैं हर एक छोटी और बड़ी चीज से, इससे और उससे, वो सिंह के जैसे साहसी नहीं है, वो सोचते हैं शैतान सिंह है। हाँ, हेलो, वो कहते हैं हाँ भाई, वचन कहता है शैतान गरजने वाले सिंह के नाई ढूंढते रहता है कि किसे वो फाड़ दे। ये कहता है शैतान गरजने वाले सिंह के नाई, वो ढूंढते फिरता है, ये नहीं कहता है कि शैतान सिंह है और ढूंढता है कि किसी को फाड़ दे, नहीं, शैतान गरजने वाले सिंह के नाई, देखिए वो वहां पर ये दिखाना चाहता है कि आप विश्वास करें कि वो सिंह है और आप घर की बिल्ली हैं। देखिए, वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि वो सिंह है और वही बहुत बड़ा है, वो आपको निगलने के लिए आया, वो आपको मारने के लिए आया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो सिंह के जैसे होने का दिखावा करता है, लेकिन जबकि आप और मैं असली सिंह हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे, भाई आप कैसे कह सकते हैं कि हम सिंह हैं, यीशु यहूदा के गोत्र का सिंह है, वो यही कहेंगे, हम नहीं भाई, हम तो बेचारे गरीब पापी हैं, लेकिन यीशु तो यहूदा के गोत्र का सिंह है। खैर, रोमियो 8:29 क्या कहता है, परमेश्वर ने जिसे पहले जाना उन्हें पहले से ही ठहराया है, किसलिए पहले से ठहराया है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते चले जाएं। उसके पुत्र का स्वरूप क्या है, पुत्र के बारे में एक चित्र दिया गया है कि उसका पुत्र एक सिंह है, वही तो धर्मी है, वही तो सिंह के समान साहसी है। आप तूफान के बीच में उसे निडर देखते हैं, उठने वाले तूफान और झील के बीच में आप उसे निडर देखते हैं, दुष्टात्मा के काम में और दुष्टात्मा के सामने में आप उसे उसी तरह से देखते हैं। देखिए, वो तो यहूदा के गोत्र का सिंह है, प्रभु ने आपको बनाया और वो आप में काम कर रहा है कि आपको बिल्कुल वैसी बनाए उस स्वरूप के अनुसार, उस सिंह के जैसे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप सिंह हैं, बिल्कुल जैसे यीशु सिंह है, और मैं आपसे कहता हूं कि जो भी यीशु है आप बिल्कुल वैसे ही हैं, क्योंकि वो सिद्ध चित्र है जो प्रभु के पास है, और आप उस सिद्ध चित्र के अनुसार बदलते चले जाते हैं। तो ये क्रिया है जो मैंने आपको बताई है, वचन बीज है और भूमि आपका दिल है, आप बोलने के द्वारा बोते हैं और शैतान तुरंत आता है, क्यों, क्योंकि जो वचन जो कहा गया है और सुना गया है उसके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये विश्वासियों के जीवन में परिणाम लेकर आएगा। शैतान प्रकट करता है कि ये अब काम करेगा, ये मनुष्य कुछ परिणाम देखेगा, इसलिए उसे रोकने में बहुत व्यस्त होता है। उसे कैसे रोकता है, वचन को कैसे निकालता है, वो वचन को निकालता है क्लेश और उपद्रव और इन सारी दूसरी बातों के द्वारा। कैसे इसे निकालता है, क्या सच में आकर खुद इसे निकालता है, नहीं, इन क्लेश और उपद्रव के बीच में आपको बोलने के लिए लगाता है उसके विरुद्ध में जो कि आपने कहा है। जब आपने वचन बोए थे, आपने इसे बोया था और आप खुद इसे निकालते हैं अपने इस विपरीत अंगीकार के द्वारा, नकारात्मक अंगीकार से आप इसे निकालते हैं कि आप परिणाम नहीं देखने पाएंगे। यही तो क्रिया है जो यहां पर बताई गई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका भीतरी मनुष्य, देखिए सब में बाहरी मनुष्यत्व और भीतरी मनुष्यत्व है, बाइबल इसी तरह से कहती है। बाहरी मनुष्य जिसे आप बाहर से देखते हैं, मेरा ये ढांचा, ये जो कद है और जो वजन है,
शारीरिक देह, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व को आपने कभी नहीं देखा है। लोग कहते मैं धूल हूं, नहीं आप धूल नहीं है, आपका शरीर मिट्टी से आया है, आप परमेश्वर से आए। परमेश्वर ने आदम को जब मिट्टी में से बनाया, उसके बाद में उसने उसमें श्वास फूंका और कहा, उसने उससे कहा कि तू जीवित प्राणी हो जा, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो जा, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, मनुष्य ऐसे ही बना। परमेश्वर के अंदर से कुछ तो भी आया उस शरीर में जो कि मिट्टी से बनाया गया था, ठीक है, परमेश्वर से कुछ तो भी आया जो परमेश्वर ने मनुष्य में फूंका, परमेश्वर का कुछ भाग जो मनुष्य के अभी इस भाग में आ गया, यानी अब ये असली संपर्क है यहां पर मेरे भीतर में और प्रभु के भीतर में, और जो कुछ भी परमेश्वर के भीतर से आता है वो मेरे साथ में जुड़ जाता है मेरे अंदर से, क्योंकि हम दोनों अंदर से एक समान ही हैं। हेलो, मैं इसे कैसे कहूं, परमेश्वर जो भी भीतर में उसने मेरे अंदर फूंका तो मेरे अंदर यह अद्भुत संपर्क है मेरे अंदर और परमेश्वर के भीतर में। परमेश्वर और मैं इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम एक जैसे हैं, कि वो जो कुछ भी है वैसे ही मैं भीतर से हूं। जब उसने मुझ में फूंका तो यही तो हुआ, इसलिए जब परमेश्वर का वचन उसके अंदर में से आता है और ये कहा गया उसके अंदर से मेरे अंदर में, तो ये जोड़ता है, यह अलौकिक संपर्क है। और इसलिए यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से आता है, हर एक वचन जो परमेश्वर के दिल से आता है, परमेश्वर के मुंह से आता, वो मेरे प्राण के लिए भोजन हो जाता है, मेरे भीतरी मनुष्यत्व के लिए भोजन। क्यों? क्योंकि उसके भीतरी भाग और मेरा भीतरी भाग एक जैसे ही है, हम एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, वो मुझे भोजन दे सकता है, और जब वो कहता है तो ये मेरे लिए भोजन हो जाता है, मेरे लिए बल होता है। ये मेरे लिए क्या कहता है? ये मुझसे कहता है शायद मैं संसार में रहते हुए हजारों समस्याएं, मुश्किलें और चुनौतियों का सामना कर रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं, इसलिए मुझे उसके वचन को सुनना ही होगा जो उसके भीतरी भाग से आता है। जैसे उसका वचन आता है मेरे दिल में चली जाता है और मैं परमेश्वर के साथ में जुड़ जाता हूं, और मैं वैसे बल पाता हूं जैसे कोई और बल नहीं पा सकता है। मैं तो मनुष्य हूं जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया हूं, मैं उसके साथ में जुड़ सकता हूं, उससे बल प्राप्त कर सकता हूं और परमेश्वर के जैसे हो सकता हूं इस संसार में, मेरी परिस्थिति में और हर बात में विजय पा सकता हूं। वचन 20 इस अध्याय से, जहां ये कहता है ये वो है जो अच्छी भूमि पर बोए गए हैं, जो वचन सुनकर उसे स्वीकार करते हैं और वो 30, 60 गुना, 100 गुना फल लाते हैं। आपको कैसे लगेगा 30, 60 और 100 गुना फल लाने में? मैंने आपको क्रिया दिखाई है, लेकिन कुछ लोगों में बीज बोया गया लेकिन शैतान ने बीज चुराए, कोई परिणाम नहीं, लेकिन अच्छी भूमि 30, 60 और 100 गुना फल लाती है। हम इसी का लक्ष्य बनाए हैं कि अच्छी भूमि हो जाए और परिणामों को प्राप्त करते रहें। किससे परिणाम आए? दो बातें, सुनना और स्वीकार करना। आप किस तरह से सुन सकते हैं कि आप स्वीकार करें?
forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved.